गुड मॉर्निंग एवरीवन, सबको नमस्ते। एंड अभी हमारा 5 साल खत्म होने के बाद 5 साल खत्म हो रहे हैं हमारा, और हमारा साथ जो सब लोग साथ में, काफी लोगों का साथ हम जोड़े हैं, और पहले से भी कल सर ने और मैडम ने और आज विशाखा मैडम ने आपको काफी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बारे में जानकारी आपको दिया है। तो और हम लोग ये जो वेबिनार है, जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बारे में हम जानकारी और देंगे, क्योंकि हम ये 5 दिन पूरा रखे हैं आप लोगों के लिए, और ज्यादा से ज्यादा आपको जानकारी दे, और उसके साथ आपको भी जो भी आसपास है, आपका पड़ोस हो या आपका रिश्तेदार हो, फ्रेंड्स हो, तो और ज्यादा उसको मदद करे, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सबको, बहुत लोगों को इंडिया में जानकारी नहीं है, जैसे कि एचआईवी एड्स और किसी का स्ट्रोक हो, सब जानते हैं, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के बाद उसका परिवार, उसको एक इंडिविजुअल को कहाँ जाना है, क्या करना है, बिल्कुल पता नहीं चलता। तो इसीलिए हमने पब्लिक को सेंसिटाइजेशन करने के लिए हम आज ये स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का टॉपिक लेके आए। तो और बहुत चीजें हैं, हम इन डेप्थ कि आने वाले 3 दिन में भी काफी चीजें हम और मेरा प्रेजेंटेशन होने के बाद भी आपको जानकारी मिलेंगे। तो आप हमारा साथ अंत तक और 5 दिन तक आप बने रहिए। तो हम शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रेमजीत सिंह है, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और 5 साल से चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब के साथ जुड़े हूँ। तो हम आज डिस्कशन करेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, कल सर और मैडम ने भी काफी आपको हद तक बता दिया होगा कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होता क्या है, क्या प्रॉब्लम है, और जो भी आप लोग स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के साथ अभी जो भी इंडिविजुअल्स हैं तो उनको भी पता होगा। तो फिर ये चीजें हम बताना क्यों जरूरी है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के बाद काफी चीजें प्रॉब्लम आती है हमारा जीवन में, तो कैसे उसको हम प्रिवेंट करें, और जो हो गया है उसको कैसे फिर ठीक करना है, और जो भी प्रॉब्लम के साथ जो जानलेवा हो सकता है, तो किस किस चीजें में हम आपको क्या ध्यान देना है और कैसे देखभाल कर, जो किसी को रिसेंटली हो गया है इसको कैसे गाइडेंस देना है। तो हम शुरू करते हैं। तो ब्रीफली हम बता दें कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। तो स्पाइनल कॉर्ड इज अ कनेक्शन, जो भी ये कनेक्शन है ब्रेन और हमारे शरीर के साथ, जो कनेक्शन तार लाता है, बिजली के तार जो भी पावर स्टेशन से हमारे घर तक लाता है, जो रास्ते वाला जो बिजली का तार है वो है स्पाइनल कॉर्ड। जो बीच में टूट जाता है, जो बिजली पावर स्टेशन से घर तक आता है वो नहीं आप पहुंच पाते हैं। तो सेम टू सेम जो भी हमारा दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी चलना है, तो हमारे शरीर तक पहुंच नहीं पाते, क्योंकि जो तार है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो किसी ना किसी कारण से ये इंजोर हो जाता है या टूट जाते हैं उसके कारण से है। तो कॉम्प्लिकेशन, काफी लोगों ने, ये अंग्रेजी टर्म है, कॉम्प्लिकेशन क्या होता है। कॉम्प्लिकेशन जो है कि इंजरी होने के बाद जो भी आप इंजरी के इमीडिएटली, और आपको 1-2 साल या 3 साल या 10 साल के बाद जो भी आपको प्रॉब्लम आता है उस इंजरी के कारण से, तो वो है स्पाइनल कॉम्प्लिकेशन, स्पाइनल कॉम्प्लिकेशन। तो नेक्स्ट जो हम क्लास स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जो कॉम्प्लिकेशन है वो हम डिवाइड कर सकते हैं एक शॉर्टली कि लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन एंड शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन। शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन क्या होता है कि आप इंजरी, आज स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गया, जो उसके बाद इमीडिएटली या कुछ समय के बाद जो भी दिक्कतें आते हैं उसको हम शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं। और इसमें क्या क्या चीजें हम इंजरी होने के बाद आते हैं तो हम आपको ब्रीफली बता देंगे कि हम, ये अंग्रेजी टर्म है, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसमें क्या क्या आता है और कैसे आपको जानना है। तो स्पाइनल, सबसे पहले स्पाइनल शॉक, उसके बाद सेंसरी एंड मोटर इंपेयरमेंट्स, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया, स्पास्टिसिटी, पल्मोनरी इंपेयरमेंट, इंपेयर टेम्परेचर कंट्रोल, बाउल एंड ब्लैडर डिसफंक्शन, सेक्सुअल डिसफंक्शन एंड प्रेशर अल्सर। ये जो है मेन चीजें हैं, जो टर्म तो आप ज्यादा मत इसमें ध्यान दीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा आसान भाषा में। तो हम देखते हैं कि स्पाइनल शॉक क्या होता है। तो स्पाइनल शॉक ये जो है, आप इमीडिएटली उस दिन आपको एक्सीडेंट हो गया या किसी के किसी कारण से आपका इंजरी हो गया, क्या पैर से गिर गए या बिल्डिंग से गिर गए, छत से गिर गए, तो
स्पाइनल कॉर्ड में एक बार चोट लग जाता है तो सडनली हमारा बॉडी रेस्पॉन्स करता है कि पूरा बॉडी शट डाउन हो जाता है, जो उसका नीचे हिस्सा जो है, जैसे कि हमने गर्दन में चोट लग गया या कमर में चोट लग गया, उसका जो नीचे हिस्सा है बिल्कुल सुन हो जाता है। तो ये कम से कम लगभग 24 घंटे रहता है, या कभी कभी उससे भी ज्यादा हो सकता है कि 1 से 3 दिन और या हफ्तों भी लग सकता है। तो ये स्टेज जो है उसको बोलते हैं स्पाइनल शॉक। और सेंसरी एंड मोटर इम्पेयरमेंट, जो हमारा बॉडी में आप सब जानते होंगे कि किसी ने चींटी काटे हैं या किसी ने पिंच किया तो आपको पता चलता है कि कहाँ पे दर्द हो रही है, और उसके बाद हाथ पैर जब हम मोड़ते हैं तो इसके उसको बोलते हैं मोटर। तो सेंसरी एंड मोटर कंपोनेंट जो है ये दोनों में मदद करते हैं, जैसे कि हिलने में मोटर मदद करता है और हमको पता लगने से भी सेंसरी फाइबर से वो हमारा शरीर को पता चल जाता है। तो जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के बाद जो है नीचे वाले हिस्सा में ये दोनों जो फंक्शन है कम हो जाता है या बिल्कुल पता नहीं चलता, तो इसको सेंसरी मोटर। और नेक्स्ट जो है ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्शिया। ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्शिया जो है ये जानलेवा हो सकता है आप टाइमली ट्रीटमेंट नहीं करते तो। तो बेसिकली जो जो ज्यादा ही टेट्राप्लेजिक लोगों के साथ और या 36 लेवल के ऊपर जो इंजुरी है उसके उस इंडिविजुअल के साथ ज्यादा होता है, क्योंकि क्योंकि वो इंडिविजुअल में शक्ति नहीं कि उसको जो भी नीचे वाला हमारे हिस्सा में इंजुरी होने के बाद जो भी, या ब्लैडर के हिसाब से ब्लैडर ब्लॉक हो गया या कहीं ना कहीं हमारा कपड़ा टाइट हो गया या हमको प्रेशर अल्सर हो गया, बेडसोर हो गया, या हमारा जो पेशाब और लैट्रिन की नली है वो जो ब्लॉक हो गया, उसके कारण से ये चीजें हो सकता है। तो हमको क्या होता है ज्यादा ही हमारा सांस लेने में दिक्कत हो जाता है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है ये ऊपर, हार्ट रेट, और हमको भी कभी कभी ज्यादा सरदर्द होने लगता है। तो इस चीजें में आपको ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। और ज्यादा जानकारी और हम और विशाखा मैम और इसके बारे में कैसे कैसे आपको मैनेज करना है वो भी आप लेटर ऑन मैडम आपको ज्यादा जानकारी बताएंगे। और ये कई भी समय पे हो सकता है, इंजुरी होने के बाद इमीडिएटली भी हो सकता है या कुछ सालों के बाद भी ये चीजें हो सकता है, तो इसलिए ध्यान देना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो है आकरण, स्पास्टिसिटी अंग्रेजी में बोलते हैं। सो आकरण है, कम से कम 60 to 80% लोगों को ये स्पाइनल आकरण जो है स्पाइनल कॉर्ड एवरी एनी स्टेज ऑफ लाइफ, मोस्टली क्रोनिक स्टेजेस में ये स्पास्टिसिटी डेवलप होता है। तो ये काफी मुसीबत या ला सकते हैं, जैसे कि हमारा मसल कंटिन्यूसली उसको टाइट हो जाता है, उसके कारण से हम उठना बैठना चलना, कभी कभी हम सोने तक, रात को सोने तक हम करवट नहीं ले पाते, उसके कारण से भी हमारा स्लीप सर्कल तक अफेक्ट हो जाता है। तो स्पास्टिसिटी मैनेजमेंट भी हम आपको डिटेल्स बता देंगे, ये चीजें आपको भी काफी लोगों को दिक्कत आ जाती है। नेक्स्ट जो है हमारा पल्मोनरी और रेस्पिरेटरी इम्पेयरमेंट, जो हाई लेवल इंजुरी जैसे कि क्वाड्रिप्लेजिक हो, सर्वाइकल इंजुरी और अपर थोरासिक जैसे कि हमारा चेस्ट लेवल के ऊपर इंजुरी होता है, तो ये चीजें ज्यादा उन लोगों को, इंडिविजुअल लोगों को ही ज्यादा दिक्कतें आते हैं। तो इसमें क्यों आते हैं, क्योंकि जब हमारा सांस लेने के लिए हमारा शरीर जैसे कि रेस्पिरेटरी मसल्स होता है प्राइमरी एक्सेसरी जो है वो उसको कमजोर कर लेता है या बिल्कुल काम नहीं करते इंजुरी के हिसाब, इंजुरी के कारण से। तो ज्यादा हाई लेवल, जितना हाई लेवल इंजुरी है उसका जो भी इम्पैक्ट है ज्यादा रहता है, तो ये सांस लेने की दिक्कत आती है, तो हमारा लंग्स और अच्छे से खोल नहीं पाते, तो हमको इन्फेक्शन होने का ज्यादा चांसेस रहता है, जैसे कि निमोनिया होने का या ब्रोंकाइटिस होने का, जो हमारा लंग्स का डिजीज है, कोई भी इन्फेक्शन का ज्यादा प्रोन होता है। तो हम लोग इसमें ध्यान देना बहुत जरूरी है, और जो भी एक्सरसाइज का ब्रीदिंग है और ज्यादा प्रिकॉशन लेना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो है इम्पेयर टेम्परेचर, बहुत लोगों को ये वेदर चेंजेस में भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इंडिविजुअल को दिक्कत आ जाता है, जैसे कि एक्सट्रीम ठंड में, देखिए ठंड बहुत ज्यादा आप या एक्सट्रीम विंटर्स में जो आपको ज्यादा ठंड लग जाता है, या समर में एक्सट्रीम हीट में, क्योंकि टॉलरेट नहीं कर पाते, मुझे गर्मी होता है या बीपी आपको लो हो जाता है, तो ये क्यों कारण होते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन में हाइपोथैलेमस है, वो हमारा शरीर को रेगुलेट करता है, जो ज्यादा टेम्परेचर है तो उसको स्वेट में स्वेटिंग ज्यादा करते हैं, लेकिन ये जो फंक्शन है वो कर नहीं पाते, हमारा बॉडी रेस्पॉन्स नहीं कर पाते, या आपको ज्यादा ठंड है तो हमारा बॉडी कांपने लग जाता है, ये जो सिस्टम है हमारा ऑटोनॉमिक सिस्टम जो है, ये स्पाइन कॉर्ड इंजुरी ज्यादा ही टेट्रा लोगों को, जैसे कि ऊपर लेवल इंजुरी गर्दन के लेवल इंजुरी में ज्यादा होता है, क्योंकि ये सिस्टम बंद हो जाता है। तो इसलिए
ठंड में आपको अच्छा कपड़ा पहनना, उसके बाद फिर गर्मी में आपको हाइड्रेट करना बहुत जरूरी होता है. बावल एंड ब्लैडर डिसफंक्शन. बावल एंड ब्लैडर डिसफंक्शन ये जो है हर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी लोगों को ये दिक्कतें आते ही आते हैं. तो सबसे हमारा लेटरिन का जो भी प्रॉब्लम है, जैसे कि सुबह उठ के हम क्या करते हैं, बाथरूम ही जाता है, तो उसमें जब सुबह आपका बावल और ब्लैडर का फंक्शन अच्छे से नहीं होगा, तो जो भी काम आपको निकल के जाना है या कोई भी काम आपको करना है उस दिन के लिए, वो इफेक्ट हो जाता है. क्योंकि हमारे दिमाग में ही रहता है कि ये नहीं होते तो बाहर जाके भी कहीं लीक हो गया या कहीं प्रॉब्लम हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, बावल एक्सीडेंट. तो ये काफी हमारा लाइफ में दिक्कतें आ जाते हैं, इसलिए लोगों को परेशान हो जाती. इसके एक भी कारण हो सकता है कि घर से निकलते नहीं है. तो ये बहुत जरूरी है कि इसको कैसे मैनेज करना है. तो हमारा रिहैबिलिटेशन के द्वारा और एक रूटीन होता है और कई तरीका होता है, और आज इसका भी और आने वाले समय पे आपको डिटेल्स की पूरा डिटेल्स बाउल एंड ब्लैडर मैनेजमेंट के बारे में आपको जरूर समझाएंगे. तो ये है, कभी कभी स्टूल्स हमारा जो भी मोशन है पास नहीं करते तो हमारा अंदर रह जाता है इंटेस्टाइन में, तो उसके इन्फेक्शन होने का या पाइल्स होने का भी बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है. और कभी कभी हार्ट मोशन में, जैसे कि खाने में हमको चेंज करना पड़ता है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि इसके भी हम ध्यान दें. ब्लैडर पेशाब का, किसी के स्पाइनल को इंजरी होते तो इनड्वेलिंग कैटेटर एक नली हमारा पेशाब के नली में लग जाता है, तो उससे भी, क्योंकि ये फॉरेन बॉडी है तो हमारा ज्यादा समय रखने से ये इन्फेक्शन ला सकता है. और उसके साथ साथ जब हम ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी को जो नॉर्मल फंक्शन है यूरिन एम्प्टी करने का, वो हिस्सा बंद हो जाता है या वो काम बिल्कुल जिसका कंट्रोल है काम नहीं करते या बहुत कम काम करते हैं, तो उसके हिसाब उसके कारण से हमारा यूरिन एम्प्टी बिल्कुल नहीं हो पाते. तो कभी कभी जब यूरिन ब्लैडर फुल जाता है तो कभी हमारा जो यूरिन है किडनी की तरफ फ्लो हो जाता है, तो किडनी फेलियर चांसेस रहता है या उसके साथ इन्फेक्शन होने का, जैसे कि यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन. और कभी कभी ज्यादा समय जो गंदी चीजें है, क्योंकि बॉडी से बाहर निकलना था तो वो निकाल नहीं पाते, उसके कारण से भी हमारा बॉडी में पथरिया या हमारा ब्लैडर या किडनी में पथरिया बन सकता है, तो उसमें भी एक बहुत सारा समस्या होता है. नेक्स्ट जो है वो सेक्सुअल डिसफंक्शन. ये एक हमारा सोसाइटी में ताबू रहता है कि खोल के बात नहीं करते और हम सब शर्म भी आते हैं, क्योंकि ये पर्सनल चीजें है, पर्सनल लाइफ का एक हिस्सा है. तो परिवार के साथ आपको जो भी दिक्कत आते हैं वो शेयर नहीं कर पाते या क्लोज फ्रेंड के साथ शेयर नहीं, क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ के बीच में होता है. लेकिन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के बाद जो भी फैमिली है या कभी आपको ये चीजें हम ये परिवार के साथ फ्रेंड के साथ शेयर नहीं कर पाते, तो हमेशा एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है ये हर इंसान के, उनके अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए, एक परिवार जोड़ के रखने के लिए. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इसको हम कभी रिहैब सेंटर में जाते तो हमारा इसको सोशल, नॉट ओनली फिजिकल तो हम प्रॉब्लम है, लेकिन हमारा दिमाग तक सोशली फिजिकली मेंटली ये प्रॉब्लम होता है. तो इसलिए इसको भी एड्रेस करना बहुत जरूरी होता है, सेक्सुअलिटी एज वेल एज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ. तो सेक्सुअल रिहैबिलिटेशन ज्यादा ही रिहैब सेंटर में कम करते हैं, लेकिन ये भी बहुत जरूरी है इसको एड्रेस करना. और ये काफी रिहैब सेंटर में हम लोग ज्यादा एड्रेस नहीं करते, शर्म है, तो इसलिए हम रिहैब सेंटर में जो भी हम इधर चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब में सारे जो एस्पेक्ट है एक अच्छा जिंदगी जीने के लिए, इसमें हम इंक्लूड करते हैं. उसका जो भी एक्सपर्टीज है उसके इस सेक्शन में, तो उसका भी जरूर हम लोग इसमें ध्यान देते हैं. तो किसी को लगता है कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के बाद वुमेन्स को लगता है कि फर्टिलिटी का प्रॉब्लम होता है या इसको इफेक्टली सिवियरली इफेक्ट होता है, और हम आपको एक शादी होने के बाद बच्चा नहीं हो सकते, ये दिमाग में रहता है, या आपको प्रेग्नेंट नहीं हो सकते हैं, ये चीजें अफवाह है. तो बहुत जरूरी है कि आप जानकारी लेना, और एक एशियाई लेडीज और जो भी वुमेन्स है आने वाले समय पे आप शादी करके भी एक अच्छा परिवार जरूर आप जी सकते हैं, आपको भी बच्चे हो सकते हैं. तो ऐसा नहीं कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी आपका लाइफ खत्म हो गया या एक जीना मुश्किल हो गया, ऐसा नहीं है. लेकिन कॉम्प्लिकेशन है, आपको रेगुलर सुपरविजन डॉक्टर के साथ क्लोजली मॉनिटरिंग करके जरूर आपको आने वाले समय पे भी आपका परिवार बढ़ा सकते हैं. तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप किसी को प्रेग्नेंट हो तो रेगुलर चेकअप मॉनिटरिंग, क्योंकि जब लेवर पेन आता है, जब डिलीवरी का समय आता है, क्योंकि उसका मसल में या पावर नहीं है, सेंसेशन नहीं है, तो उसका जब कंट्रैक्शन होता है तो उसको पता नहीं चलता. इसलिए
डॉक्टर मेडिकल मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है और अच्छा चीजें भी आप परिवार आगे ले जा सकता है। नेक्स्ट जो है प्रेशर अल्सर, एक हम एक आसान भाषा में बोलते हैं तो ये है एक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के लिए एक बड़ा सा शत्रु है, एनिमीज है। तो इसको काफी लोगों को ये महसूस भी होगा जो भी क्रोनिक इंजरीज है, काफी दो बार तीन बार होता रहता रहता है, क्योंकि इसको ध्यान देना और हम प्रेशर अल्सर के बारे में इन डिटेल्स ये बहुत जानना जरूरी है कि हम लोग आज मेरा प्रेजेंटेशन के बाद जरूर आपको डिटेल्स समझा देंगे और बने रहिए। तो कॉमन एरियाज जो होता है सेक्रल, हमारा जो बॉडी का हिस्सा है जो ज्यादा ही हड्डी और स्किन ज्यादा रहता है उसमें हमारा ये प्रेशर सोर बनने का ज्यादा चांसेस रहता है। तो प्रेशर बनता है कंटीन्यूअस प्रेशर हमारा एक जगह पे, उसका हमने प्रेशर रिलीफ नहीं किया या कर्वट नहीं लिया या पोजिशन चेंज नहीं किया या इसके कारण से होता है। तो ये भी हमारा आपको ऐसे ही ट्रीटमेंट बिना ट्रीटमेंट के साथ ऐसे घर में पड़े रहेंगे या तो इन्फेक्शन हो गया तो हमारा जान भी लाइफ थ्रेटनिंग जानलेवा हो सकता है। तो ये कुछ पिक्चर्स है, आप देख सकते हैं कि इधर में प्रेशर पॉइंट जो सीधा लेटने में और कहाँ कहाँ पे प्रेशर बन सकता है, घाव बन सकता है, साइड लेटने से कहाँ कहाँ बन सकता है और उल्टा लेटने से कहाँ कहाँ पे आपका प्रेशर सो बन सकता है। और काफी लोगों को प्रेशर होने के बाद स्पाइनल चेयर में बैठने से भी स्पाइनल और ज्यादा प्रेशर सोर भर जाते हैं, तो बैठने से भी कहाँ कहाँ हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि प्रेशर सोर आपको हो गया तो उस जगह पे प्रेशर दोबारा नहीं डालना है, और उसके बाद जो भी घाव नहीं है उसमें भी आप करबट लेना बहुत जरूरी है, लगातार प्रेशर नहीं डालना है। तो हम डिटेल्स आज आने वाले समय पे भी और आज के प्रेजेंटेशन के बाद जरूर आपको और जानकारी समझा देंगे। और इतना भी खतरा हो सकता है आपके जीवन में जब आप और स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इंडिविजुअल्स के साथ आप ट्रीटमेंट नहीं करोगे, तो ये वाला इन्फेक्टेड है वो वाला फ्रेश, लेकिन कितना तक ग्रेड 4 है बहुत ज्यादा हो सकता है। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि पहले मैंने बोल दिया कि आप स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के बाद ही नहीं, आपको क्रोनिक स्टेज में जैसे कि 1 साल 2 साल 10 साल के बाद और ज्यादा चीजें आपके साथ प्रॉब्लम आ सकते हैं, वो इसके बारे में थोड़ा बहुत हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले कार्डियोवास्कुलर इंपेयरमेंट या आपका और इसके साथ पेन जो है दर्द होता है, उसके बाद आपको टाइटनेस जॉइंट जम गए उसके साथ सर, या हमारा जॉइंट का कई भी जगह पे हड्डी भर गया, या आपको कहीं गिरने से या हड्डी कमजोर होने से या कई भी इंपैक्ट या गिर जाने से हड्डी टूट जाता है, ज्यादा ही पैरों का टूट जाता है या हाथ का कभी स्ट्रेचिंग करने से, और सिरिंगोमायलेमा स्पाइन के अंदर कहीं ना कहीं जगह पे फ्लूइड आ गया है या आप स्पेस बन गए, और उसके बाद अचानक आपको लंबे समय पे आपको लेटने रहने से अचानक उठ जाता है या बैठ जाता है तो आपको चक्कर आने का चांसेस रहता है। तो हम इन डिटेल्स हम आपको समझा देंगे कि ये क्या चीजें हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने बोला कार्डियोवास्कुलर इंपेयरमेंट, तो ज्यादा ही हम लोग नॉर्मल सर्कुलेशन, सबको पता है कि जब नॉर्मल सर्कुलेशन होता है जो नॉर्मली इसको हर जगह पे ब्लड आसानी से चले जाए क्योंकि मसल का पावर एक्टिव है। जब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के बाद हमारा जो नीचे हिस्सा है जो उसका कम हो जाता है, जो उसका ताकत है, कभी कभी बोलता है कि हमारा जो लेग का मसल है वो सेकेंड हाफ, क्योंकि ये हाफ पंपिंग में मदद करते हैं। तो क्योंकि इंजरी होने के बाद हम बेड में ही, डॉक्टर भी बोलते हैं इनिशियल पीरियड में आपको बेड में ही रहो, कुछ मत हिलना नहीं है क्योंकि स्पाइन फ्रैक्चर हुआ है। तो एक बार बिना हिले ऐसे बेड में रह जाते हैं तो क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन जो दौड़ता है खून का नली खून के अंदर वो कम हो जाता है। कम होने के कारण से हमारा खून जम जाने का बहुत चांसेस है, ज्यादा ही हमारा काफ मसल में जम जाता है पैरों, क्योंकि पैरों में ज्यादा चलता नहीं है स्पाइन कॉर्ड इंजरी में। तो क्या क्या साइन हो सकता है, क्या होता है उसके बाद, और आपको कैसे जानकारी होना है कि हमारा खून के नली में खून जम गया, तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो सके क्योंकि एड्रेस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अब आपका जो भी ज्यादा ही आपको मैं पिक्चर में भी देख रहे होंगे कि हमारा काफ मसल में आपको देखेंगे सूजन, और उसके साथ साथ आपको साइनी स्किन आपको देखने का मिल जाएगा, उसके साथ साथ आप उधर हाथ लगाओगे तो थोड़ा सा गर्मी महसूस होंगे और या गर्मी आपको लगेंगे हाथ में, उसके बाद उधर रेडनेस, और जब आपको पार्शियली सेंसेशन है या आपका पेन का पेन पता चल जाए तो आपको भी उधर दर्द हो सकता है। तो उस एरिया में आपको ये हो गया तो ध्यान देना है, और उसका भी आप जरूर देखेंगे एक पैर में भी हो सकता है, दूसरा भी बराबर हो सकता है या दोनों पैरों में भी हो सकता है। तो रेगुलर जो ब्लड क्लॉट है उसको कम करने के लिए मेडिकेशन डॉक्टर जरूर
उसके साथ साथ शुरुआत में एक आपका फिजियोथेरेपिस्ट आपको कैसे पैरों को हिलाना है उनकी अच्छे से, इसको पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस बोलते हैं, इसको गाइडेड, क्योंकि अचानक से आप इतना जोर से हिला भी नहीं सकते और ज्यादा हिलाएगा तो और मसल इंजरी हो जाए, इसलिए एक थेरेपिस्ट का मदद लेके भी किस तरीके से एक्सरसाइजेस पैरों का करना है ताकि ये चीजें आपके पैरों में ना हो जाए, और उसके साथ साथ अच्छा कंप्रेसिंग स्टॉकिंग्स जैसे कि क्रेप बैंडेजिंग जो होता है अच्छे से उसमें भी मदद होता है। पेन, पेन में भी आपको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के बाद हर तरीका का पेन आपको महसूस हो जाए, बर्निंग सेंसेशन, या आप वो लोगों को पता चलता होंगे कि मेरा पैरों में जलन होता है, जैसे आग, जैसा किसी ने आग लगा दिया जैसा जलन होता है, या आपको काफी लोगों को होता है कि मेरा शोल्डर में थोड़ा सा व्हीलचेयर चलाने से दर्द आ जाता है, ये तो ये हम मस्कुलर पेन बोलते हैं, ज्यादा कि हमारे मसल में इंजरी होने के बाद कई भी एक करेक्ट इनकरेक्ट पोस्चर हो या पुशअप मारने में या व्हीलचेयर चलाने में कई भी समय पे भी आपका मसल इंजरी हो सकता है, उसके कारण से भी ज्यादा ही शोल्डर में इंजरी होता है क्योंकि ये एक्टिव रहता है ज्यादा जो पैराप्लेजिक पेशेंट्स में, तो उसमें मस्कुलर पेन बहुत कॉमन है, और कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड इंजरी मसल स्पैज्म की वजह से सडन पुल हो जाता है, सडनली जकी आ जाए, किसी किसी हो गया देखे आप या नीचे वाले हिस्से में भी अब अचानक थोड़ा सा भी पैर हिल गया तो अचानक ऐसा झटका आ जाता है, तो उसके कारण से भी इंजरी हो सकता है मसल्स में और या मसल स्पैज्म के कारण से, या हमारा ऑर्गन के अंदर ये कम हमारा इंटरनल ऑर्गन जो पहले फंक्शन करते इतना फंक्शन डिस्टेंडेड हो जाता है, उसके भी ऑर्गन कभी प्रेस हो गया तो फिर भी ये चीजें विसरल पेन भी हो सकता है। न्यूरोपैथिक पेन ये सबसे ज्यादा लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन होता है, क्योंकि जब पहले न्यूरल अच्छे से लेवल अच्छा नॉर्मली फंक्शन अचानक इसको इंजुरी हो गया या कट गए हो उसके कारण से भी ये जो सिम्टम आते हैं, जैसे पहले मैंने बता दिया कि आपको बर्निंग सेंसेशन या आग जलने का या इतना किसी ने पैर पकड़ के खींच लिया ऐसा वाला जलन होता है, तो इसके लिए जो नीचे वाला मेडिकेशन जरूर काफी हद तक मदद करता है, हमारे साथ साथ हमारा कोई भी थेरेपिस्ट उसको जानते होंगे टेंस मशीन, या उसके साथ साथ मसल स्ट्रेंथनिंग जो भी पैरों का या हाथों का भी, और उसके साथ करेक्ट टेक्निक ऑफ व्हीलचेयर प्रोपेलिंग उसके बाद ट्रांसफर से काफी हद तक इसको हम कम कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्चर, कॉन्ट्रैक्शन एंड डिफॉर्मिटीज क्या होता है, हर प्रोलॉन्ग हमारा मसल टाइटनेस के कारण से हमारा स्ट्रक्चर कम ये जम जाता है, उसके कारण से हमारा पैर मोड़ना हाथ मोड़ना कम हो जाता है या जम जाता है, उसके कारण से जो मैंने जगह लिखा जगह बताया कि इस जगह पे ज्यादा प्रॉब्लम आ सकता है, तो इसलिए पहले ही आपको प्रॉपर पोजिशनिंग और अच्छा एक्सरसाइजेस और पैरों का एक्सरसाइजेस और रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस, और कभी थोड़ा बहुत टाइटनेस आ गया तो बेटर स्प्लिंटिंग, तो एक गाइडेड थेरेपिस्ट के साथ और ये कॉन्ट्रैक्चर और डिफॉर्मिटी कम कर सकते हैं, तो बेटर इज द अर्ली प्रिवेंशन के बारे में आप जानकारी लेता है उसको कैसे मैनेज करना है, बेटर इज द रिजल्ट क्योंकि ये कम कर सकता है। आप देख सकते हैं पिक्चर में कि ये प्रॉब्लम आपका आप ख्याल नहीं रखोगे तो ये प्रॉब्लम आ सकता है, जम हो सकता है। नेक्स्ट है ऑस्टियोपोरोसिस या फ्रैक्चर, तो नॉर्मल लोगों को एक्चुअली ऑलरेडी बोन ब्रिटल है हमारा, तो ऑलरेडी कभी एक्सीडेंट हो या गिरने से भी ब्रेकेज का ज्यादा चांसेस रहता है, स्पाइनल को इंजरी के बाद दो गुना बढ़ जाता है क्योंकि इसका हड्डी का जो है ताकत है वो कम हो जाता है, तो नॉर्मल पॉपुलेशन के हिसाब से देखेगा तो आपका काफी हाई वल्नरेबल पॉपुलेशन है, कारण है कि हड्डी का जो कैल्शियम लेवल है विटामिन D3 और उसके बाद जो भी हड्डी को जरूरत है वो कम हो जाता है ज्यादा ही, इसीलिए तो आपको हड्डी ब्रेकेज का ज्यादा चांसेस रहता है, तो थोड़ा सा आपको एक कैल्शियम सप्लीमेंट और विटामिन D3 का सप्लीमेंट देने से भी काफी हद तक मदद करते हैं, उसके साथ अर्ली मॉर्निंग आपको सनबाथ ये सबसे बेस्ट नेचुरल वे ऑफ टेकिंग टू इम्प्रूव द बोन स्ट्रेंथ, 15-20 मिनट आप रह सकते हैं एक शॉर्ट और टी शर्ट पहन के और 15 मिनट आप अर्ली मॉर्निंग, एंड ऑल्सो रेगुलर स्टैंडिंग एक गाइडेड थेरेपिस्ट के साथ रेगुलर स्टैंडिंग वेट बेयरिंग हमारा बॉडी में करेगा तो मिनरलाइजेशन हमारा शरीर में और हड्डी में अच्छा बन जाता है, तो एक ऑस्टियोपोरोटिक बोन हम देखते हैं तो आप राइट कॉर्नर में देख पाएंगे कि इतना अंदर बोन के अंदर स्पेस आ गया है और उसके बाद अब अच्छा वाला बोन देखिए तो फर्क बहुत पड़ता है, तो इसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट आ गया तो फ्रैक्चर होने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है। हिटरोट्रोपिक ऑस्टियोपोरोसिस एक्स्ट्रा बोन ग्रोथ हमारा जॉइंट में और जॉइंट के सराउंडिंग में हो जाता है कहीं ना कहीं, या ब्लीडिंग होने के कारण से या मसल इंजुरी के कारण से, जो आप
अपनी मर्जी से आप लोगों को बहुत ये मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि हमारा पैर ज्यादा हिलाएंगे तब हमारा पैर चालू होंगे। ये बहुत गलत इंफॉर्मेशन है कि ज्यादा पैर हिलाने से ज्यादा नहीं चले, उसके बगैर और हमारा मसल्स और जॉइंट इंजरी हो सकता है और ब्लीडिंग हो सकता है। उसके कारण से जो हमारा हड्डियों में या हड्डी के जो ज्वाइंट्स है उसमें भी हड्डी जो ज्वाइंट ब्लड क्लॉट एब्जॉर्ब करके हड्डी बन जाता है। तो बाद में आपको चलना फिरना और जॉइंट्स को मोड़ना बहुत दिक्कत आ जाता है। तो कुछ एरियाज है हमारा इस आपको देख पाएंगे कि इस एरिया में ज्यादा ही आपको प्रॉब्लम आ सकता है। तो अच्छा गाइडेड फिजियोथेरेपिस्ट के साथ रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस और आपको जरूरत पड़ती है तो सर्जिकल इंटरवेंशन जो हड्डी निकालने के लिए उसमें भी काफी हद तक मदद हो सकते हैं। तो पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि जैसे कि क्लाउड जैसा हड्डी जो हिप ज्वाइंट के ऊपर बन रहे हैं तो आप देख सकता है जैसे कि इस तरफ का इधर का जो आप देख रहे हैं ये है एक्स्ट्रा बोन सिंगोमाइलिया जो 3% ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के इंजरी इंडिविजुअल लोगों को इंजरी होने के बाद सालों के बाद अंदर या फ्लूइड एक्युमुलेट हो सकता है या उधर एक स्पेस इसको बोलते हैं सेरिंग एंड सिस्ट तो ये हो सकता है। तो ये कभी कभी आप इनिशियल पीरियड से आप रेगुलर इमेजेस या आपको ध्यान नहीं देंगे तो और ज्यादा प्रोग्रेस होके और ज्यादा आपको प्रॉब्लम ला सकता है। तो इसलिए रेगुलर मॉनिटरिंग एंड सर्जिकल डिकम्प्रेशन ज्यादा हो गया तो सर्जरी करके जो अंदर वाला फ्लूइड जमा है वो निकाल सकता है। तो लेकिन कम लोगों के साथ ये होता ही है, ओनली 3% विल गेट। सो लास्ट में जो हम बात करेंगे पोस्टरल हाइपोटेंशन उसके भी हम आप और ज्यादा जानकारी देंगे कि ये एक कॉमन स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इंडिविजुअल के साथ ये होता है। तो पोस्टरल हाइपोटेंशन या ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन जो होता क्या है कि ये अर्ली स्टेज में या आपको लंबे समय पे बेड में आप लेटने से ये ज्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। तो मोस्टली ये क्या होता है कि ब्लड फ्लो जो है हमारा ब्रेन का ब्रेन तक जो जाता है वो कम हो जाता है क्योंकि हम अपराइट पोजीशन में ज्यादा नहीं रहते, ज्यादा लेट के रहता है तो हमारा हार्ट का फंक्शन भी वो उतना ये पंप नहीं कर पाते क्योंकि मसल ढीला हो जाता है। ज्यादा ही ये टेट्राप्लेजिक लोगों के साथ होता है। और इसका एक सडनली आप मैं एक ऐसा उदाहरण बताता हूँ कि आप 3-4 महीने आप बेड में लेटे हुए अचानक किसी ने आके खाने के लिए या कुछ पानी पीने के लिए उठा लिया, अचानक चक्कर आ गया, अंधेरा देखने लगेंगे या आपको बहुत सर दर्द हो रहा है या ज्यादा पसीना ज्यादा आ गया है, आपका हार्ट रेट ज्यादा बढ़ गया तो ये एक साइन है कि पोस्टरल हाइपोटेंशन होने का। तो धीरे धीरे एक अच्छा पैर में स्टॉकिंग होना और उसके बाद पैर आप हमारा पेट में बांधने के लिए एक बाइंडर्स होता है और उसके बाद अच्छा हाइड्रेशन फ्लूइड इंटेक भरने से भी हो जाता है और प्लस आपका रेगुलर फिजियोथेरेपी प्लस आपका टिल्ट टेबल होता है जो आप हर एंगल में जो जहां पे इतना आप टॉलरेट कर सकते हैं उधर तक लाके भी हम आपको जो टॉलरेंस लेवल से ये चीजें पोस्टरल हाइपोटेंशन कम करते हैं। तो थैंक यू सो मच।